नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिगनर्स पॉइंट श्रुति जैन चैनल पर। आज के दिन हम लेकर के आए हैं एक नया टिप। टिप यह है कि किसी भी तरह के कार्य को राहु काल में प्रारंभ कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के कार्य से मेरा मतलब है कि अगर आपको यात्रा प्रारंभ करनी है, कोई मांगलिक कार्य है, लेन देन अगर आप कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह का सौदा अगर आप कर रहे हैं, तो उसे कभी भी राहु काल में ना करें। यह हमेशा हितकर होता है। राहु काल को छोड़कर किसी भी समय पर आप यह काम कर सकते हैं, लेकिन राहु काल के समय पर विशेषकर इन कार्यों को कभी भी प्रारंभ ना करें। राहु काल की जानकारी यहां स्क्रीन पर मैंने आप सभी के साथ शेयर की है, जिसमें रविवार के दिन सायंकाल 4:30 से 6 बजे तक, सोमवार प्रातः काल 7:30 से 9 बजे, मंगलवार दोपहर 3 से 4:30, बुधवार दोपहर 12 से 1:30, गुरुवार दोपहर 1:30 से 3, शुक्रवार प्रातः काल 10:30 to 12, शनिवार प्रातःकाल 9 से 10:30 बजे तक राहु काल होता है। तो इस समय पर कभी भी किसी भी तरह के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य को ना करें, इन्हें टालें, या किसी भी तरह के सौदे को या लेन देन को इस समय पर कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की दूसरी टिप है कि सफलता के लिए हम क्या करें। तो सफलता प्राप्त करने के लिए अपने घर में एक कछुआ रखना चाहिए। फेंग शुई की लोक कथाओं के हिसाब से कछुए को समस्त प्राणी जगत का शुभकारी और सौभाग्यशाली माना गया है, इसीलिए इसे घर में रखना भी लाभकारी होता है। इसी के साथ साथ कछुए की आयु भी लंबी होती है, इसीलिए इसे दीर्घायु का कारक भी माना गया है। जब कभी भी आप कछुए को घर में रखते हैं, तो इसका जो जातक है, यानी कि जो मालिक है, उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ कछुआ जीवन में अच्छे अवसरों को भी उपलब्ध कराता है। यह उत्तर दिशा का संरक्षक है, इसीलिए आपके भाग्य को भी यह प्रकाशित करता है। तो भाग्य को और सफलता को प्राप्त करने के लिए कछुए को एक धातु की प्लेट में थोड़ा सा पानी डालकर उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इससे आपके व्यवसाय में लगातार वृद्धि होती जाएगी। और एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि सिर्फ एक ही कछुआ रखें, एक से अधिक कछुए कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप धातु का कछुआ नहीं रखना चाहते हैं, तब आप एक जीवित कछुआ भी रख सकते हैं, लेकिन उसका मुंह भी उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस चीज का ध्यान हमेशा रखें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको जीवन में सदा सफलता मिलती रहेगी। उम्मीद है आज का दिन आपको यह टिप पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।